हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं हॉस्पिटल से कर रही हूँ दोस्तों। और मैं हॉस्पिटल क्यों पहुँची, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। कि जो भी मेरे चैनल में आए होंगे सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मेरी अंशु के ब्लॉग देखते होंगे आप सभी, मैं उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, मेरी अंशु जो है ना बीमार हो गई गाइस कल से। तो मतलब अलग जैसे महसूस हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस। मैंने ना उस टाइम ब्लॉग बनाना छोड़ दिया, मतलब मैं क्या करूँ मुझे वही समझ नहीं आ रहा था। मतलब हम जो फंक्शन में गए हुए थे और फंक्शन का भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। और गाइस, हम शाम के टाइम घर में पहुँच गए, अंशु खेल रही थी, सब कुछ कर रही थी, और मतलब उसको जो है दूध की जैसी उल्टियाँ होती हैं, तो वैसी उल्टी हुई उसको। और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार, मतलब नॉर्मल सी उल्टियाँ होती हैं तो वैसी तो उल्टियाँ होती है, उसको पहले से भी होती है। हमने सफ़र करते हैं, इतने दूर से आते हैं, हम महाराष्ट्र पूना से आते हैं हिमाचल के लिए, तो मतलब कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब उसको ऐसा भी होगा गाइस। मतलब मैंने उस टाइम वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई मैं गाइस। और उसको जो है थोड़ा सा ना ब्लड आया उल्टी में, एकदम नॉर्मल सा ब्लड आया तीसरी उल्टी में। तो गाइस, मम्मी बोलती कि उल्टी में ब्लड आया, मैं मानने को मतलब मानी ही नहीं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अंशु तो खेल रही थी, डांस कर रही थी फंक्शन में, और बड़ी अच्छी से कर रही थी, इन्जॉय कर रही थी। लेकिन गाइस, फिर हमने क्या किया, शाम के टाइम ना 4-5 बजे पहुँचे थे हम, 6 बजे जो है मौसम भी ख़राब हो गया था, बारिश का मौसम था। और हमने चाय बनाई और चाय ली, और उसको जो है ना मैंने दूध दिया पीने के लिए कि यार भूखी है अंशु, उसको उल्टी हो गई है, मैं थोड़ा सा दूध देती हूँ गाइस। लेकिन उसको जो है ना पूरे ब्लड की उल्टी आ गई गाइस। फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा गाइस, मुझे ना ऐसा लगा कि मतलब अंधेरा ही छा गया मेरी लाइफ में। तो गाइस, मैं पागल हो गई। फिर मम्मी को, मम्मी भी सामने ही थी, तो फिर मम्मी ने समझाया मुझे कि यार कुछ नहीं हुआ है, तो टेंशन मत ले। हमने फटक से गाड़ी की गाइस, और साथ में मेरे भाभी आए हुए जिसकी नई नई शादी हुई मेरे भाई की ना, वो आए। और फिर जो है फिर आ गए हम, मम्मी मैं और भाभी आ गए, पप्पा भी आ गए पीछे से। फिर गाइस, फिर मैं क्या बोलूं गाइस, जितना मतलब मैंने कितनी मुश्किलों से अंशु को पाया हुआ है गाइस। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, और मेरा पहला जो है अबॉर्शन हो चुका है। मैंने पहला बेबी खो लिया था गाइस, वो तो मैंने पेट में ही खोया हुआ था। आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मेरे पूरा मतलब 8-9 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ था, उसमें सब हिस्ट्री बताई हुई मैंने कि अपना बेबी कैसे कैसे खोया। तो मैं इस बेबी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से लिया हुआ ये बेबी जो है ना। तो गाइस, मतलब उसको पूरी ब्लड की उल्टी होगी, और मैं एकदम से पागल हो गई कि यार ये क्या हो गया मेरी अंशु को। मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसा, कभी मतलब हुआ ही नहीं, 2 साल की हो गई, कभी मतलब देखा ही नहीं मैंने। फिर हम जो है अपने हॉस्पिटल में आ गए, इधर बच्चों के हॉस्पिटल में गाइस। तो फिर जो है उसको टेस्ट वगैरह, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हुई है, टेस्ट लिया उसके, ब्लड लिया उसका गाइस, उसको इतनी सारी सुइयाँ लगी हुई है। और आप आगे देखना उसके हाथ में कैसे वो सलाइन वगैरह लगाते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं ना हम उसको, वैसे वैसे इंजेक्शन लग रहे हैं गाइस उसको। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं गाइस। प्रे कीजिए मेरे बेबी अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए मेरे बेबी, क्योंकि मेरे पास एक ही बेबी है और मैंने वो बड़ी मुश्किल से पाई हुई है गाइस। मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैंने कितने पापड़ बेले होंगे उसको पाने के लिए, कितना मतलब 8 महीने तक जो है ना मैं गाइस बेड में सोई रही, हिलती तक नहीं थी। मेरे मम्मी आए थे बेंगलोर में, वहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी गाइस, तो मैंने बड़ी मुश्किल से पाया अपना बच्चा। तो भगवान से प्रे कीजिए गाइस, क्या पता आपकी प्रे भी मेरे बच्चे के काम आ जाए और ठीक हो जाए मेरा बेबी। बस बाद में मिलती हूँ गाइस। मैं ना, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, बोला था उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया हुआ है गाइस, तो क्या पता सुबह आएगी या फिर हम शाम तक आ जाएगी गाइस, क्योंकि लैब में टाइम लगता है, अभी इतना नॉलेज तो मुझे है नहीं गाइस। तो
दोस्तों मैं आ गई अभी रूम में, जहाँ पे हमें रूम मिला हुआ है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम एडमिट हुए ना अपने मार्केट में। मार्केट का हॉस्पिटल है ये, बच्चों का बहुत ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये। तो गाइस देखिए, अंशु को जो है वो ग्लूकोज चढ़ गई है। तो गाइस हाँ, उसको जो है बहुत बुरे हाल से ब्लड निकाला गाइस टेस्ट के लिए। तो मतलब 5 बार जो है वो ब्लड निकाला उसके एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, पाँव से, फिर उंगली से। तो गाइस देखिए, ऐसे कुछ लगाया हुआ है, पट्टी वगैरह लगाई हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, मुझे इतना नहीं मालूम गाइस। तो अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज इसको धीमा कर दिया, जो ग्लूकोज चढ़ रहा है ना बेबी को, तो उसको थोड़ा धीमा धीमा कर दिया है। और आसपास के बच्चे रो भी रहे थे, और गाइज ये पूरे बेड भरे हुए थे। तो देखिए, इधर बच्चे का फोटो लगाया हुआ है, और उसके जो बॉडी के अंग होते हैं वो सब चार्ट में बनाए हुए थे। इधर आए हैं मेरे साथ जो है मम्मी आए हुए हैं और भाभी आए हुए हैं। तो नाइट हो गई थी गाइज, और सबके फ़ोन आ रहे थे बारी बारी से। देखिए गाइज रूम कितना भरा हुआ है, और हर किसी का बीबी जो है बीमार ही बीमार है इधर। और अंशु तो पता नहीं कैसे हो गए गाइज, मतलब बहुत दिनों के बाद बीमार हुई, और इतना गंदे रोल से बीमार हुई कि उसको ब्लड की उल्टियाँ आई। तो मम्मी उसको हाथ पकड़ रही थी, क्योंकि उसका हाथ जो इधर उधर हिल रहा था ना, तो डॉक्टर ने बोला था जो सुई लगी है ना ग्लूकोज की, उसको हिलाना नहीं है। तो भगवान से प्रे कीजिए गाइस कि मेरा बेबी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, रात के कम से कम 12-1 बज रहे थे, सब सो गए थे गाइस, लेकिन कुछ एक जो है फ़ोन भी चला रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन मुझे कोई नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच के मारे डर रही थी कि पता नहीं अंशु को फिर से उल्टी ना हो जाए, अभी सुबह कब होगी गाइस, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि सुबह जो है डॉक्टर आएंगे। लेकिन इधर अच्छी खासी सुविधा है, और फिर जो है अंशु को थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तो मुझे तो रोने के लिए आ रहा था गाइस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया मेरे सामने मेरे बेबी को। मुझे हो जाता तो चल पड़ता हाँ, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही बुरा होता है गाइज, अपने बेबी को कभी बीमार होते हुए नहीं देख सकती। और अंशु इतना अच्छा खेल रही थी, ऊपर से हम फंक्शन में गए हुए थे गाइज, मैंने उधर का भी ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन बहुत अच्छा डांस वींस कर रही थी। घर आने के बाद ही गाइज उसको पता नहीं क्या हो गया, उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, और फिर तो भगवान ही जाने क्या हो गया। मैं तो कैसे पहुँची हूँ हॉस्पिटल वो भी मुझे पता नहीं लगा, और मैं पागल हो गई थी पूरा। तो देखिए गाइज, उसको नींद पड़ी हुई है, ये जो ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने उसमें इंजेक्शन भी दिया हुआ है ताकि उसको नींद आ जाए। और अभी मैं उठ गई थी गाइज, और मैं दूसरी जगह बैठी थी, तो मम्मी सोए थे, उसको रखवाली कर रहे थे। तो गाइज मैंने दूध भी लिया हुआ था बोतल भर के, लेकिन दूध भी नहीं पी रही थी अंशु, इतना बुरा लग रहा था ना गाइज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या बोलूँ गाइज।